उमरिया जिला प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे का भ्रमण कार्यक्रम। जिला प्रभारी मंत्री ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। उमरिया मध्य प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण श्रम तथा जिला प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे का उमरिया आगमन हुआ, जहां प्रभारी मंत्री ग्राम निघरी में सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। खुदश होते हुए उमरिया के स्थानीय सर्किट हाउस पहुंचे, जहां भाजपा पदाधिकारी कार्यकर्ताओं तथा आम जनता से मुलाकात कर जनगण मन राष्ट्रीय गीत गायन किया। वहीं इस अवसर पर पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहे। वहीं जिला प्रभारी मंत्री स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेने के बाद विकास खंड करकेली और ग्राम पठारी में पहुँच कर किसान संगोष्ठी में भाग लिया। इसी दौरान इस अवसर पर प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे, बांधवगढ़ विधायक शिव नारायण सिंह, मानपुर विधायिका सुश्री मीना सिंह, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष जिला अध्यक्ष मनीष सिंह मौजूद रहे। पेश है उमरिया के संवाददाता शंकर सिंह की खास रिपोर्ट। जिले के किसान ये किसान संगोष्ठी के माध्यम से वो समझाइश दी गयी, जिससे वो नई तकनीकी के तहत कृषि कार्य एवं साथ में पशुपालन, मछली पालन और आपके फलदार वृक्ष लगाने का भी उनको वो दिया गया। साथ साथ जो हमारे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जिन विभागों के संचालित योजनाओं के तहत जो अनुदान दिए जाते हैं, चाहे वो कृषि विभाग का हो, चाहे वो उद्यानिकी विभाग का हो, चाहे वो आपके पशुपालन विभाग का हो, चाहे वो मत्स्य पालन विभाग का हो, सारी योजनाओं के अनुदान के संबंधित संगोष्ठी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक अच्छा अभियान चल रहा है कि 5 साल में 2022 तक किसान की आय दुगनी करनी है। इस संबंध में प्रदेश के हर ब्लॉक में किसान सम्मेलन, किसान संगोष्ठियां आयोजित की जा रही है। और जो हमने जिले में कृषि प्लान तैयार किए हैं, उसके बारे में किसानों को जानकारी देंगे और उनकी जो भी समस्याएं हैं उनका भी कैसे समाधान हो यह प्रयास किया जाएगा। और जो भी किसानों से आय दुगनी करने के संबंध में जो भी विचार आएंगे